भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। और ये खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि आशा किरण शेल्टर होम में बड़ी तादाद में जो मौत है वो वाकया हो रही है, जिसमें से अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि एक माह से 13 बच्चों की मौत वाकया हुई है। और वजीर आतिशी ने तहकीकात का हुक्म दिया है इस पर। दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आशा किरण शेल्टर होम है वहाँ पर बड़ी तादाद में जो बच्चों की मौत है वो वाकया हुई है। एक माह में 13 बच्चों की मौत हुई है, और जिस पर जो वहाँ की वजीर आतिशी है उन्होंने तहकीकात का हुक्म जारी किया है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो जहनी तौर पर माजूर बच्चों के लिए कायम किया गया था ये आशा होम शेल्टर, जिसमें अभी तक जो काफ़ी ज़्यादा मौत सामने आ रही है, और इस पर जो वजीर आतिशी है उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया है। और बताया जा रहा है कि ये जो जहनी तौर पर माजूर बच्चों के लिए कायम किया गया आशा किरण शेल्टर होम में बड़ी तादाद में जो मौत है वो वाकया हो रही है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि हर कोई यही मांग कर रहा है कि इस पर जल्द से जल्द तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 7 महीनों में यहाँ 27 बच्चों की मौत वाकया हुई है, जबकि जुलाई में 13 बच्चे जहाँ बहक हुए हैं। रिपोर्ट में हैरानी नज़र आ रही है, जबकि बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया की तरफ से भी इस मामले पर बात करने की तैयारी जो है वो की गई है। वज़ीर आतिशी ने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द तहकीकात होनी चाहिए, और जबकि मौत की वजह बच्चों की देखभाल और पीने के पानी का मुनासिब इंतज़ाम ना होना करार दिया गया है, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है। और जो दिल्ली की वज़ीर आतिशी ने जो है आशा किरण की मौत पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है, और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल लगातार जो मौत है वो हुई है, जिनमें से जनवरी में 3 जो लोगों की मौत वाकया हुई है, फरवरी में 2, मार्च में 3, अप्रैल में 2, और मई के महीने में 1, जून के महीने में 3, और जुलाई के महीने में 3 मौत जो है वो वाकया हुई है। जबकि साल 2023 की बात करें तो उस हवाले से भी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें से कहा गया है कि 2023 में जनवरी से जुलाई के दरमियान कुल 13 जो मौत है वो वाकया हुई है। आशा किरण इंतज़ामिया इतने संगीन मामले पर बात करने को तैयार नहीं है, इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इस पर जो रोहिणी की एसडीएम ने आशा किरण होम शेल्टर में बच्चों की मौत पर उन्होंने बात करते हुए कहा, उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि वहाँ पर जो 13 बच्चे हैं उनकी मौत वाकया हुई है। रोहिणी के सेक्टर 3 में वाकया आशा किरण होम में माजूर और बच्चों और बूढ़ों को वहाँ पर रखा जाता था, और ये दावा किया जाता है कि यहाँ उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में यहाँ होने वाली पुरिसरार मौत की वजह से कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं, और जिस पर अब जो है पूरा मामला पेश आया है, और जहाँ पर जो तहकीकात है वो जारी करने की बात की गई है। दिल्ली के वज़ीर आतिशी ने आशा किरण शेल्टर होम में जुलाई के महीने में 14 मौत की तहकीकात के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट 24 घंटों में पेश किया जाएगी, और जितने भी लोग जो इसमें मुलविस हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दिल्ली के आवाम को यकीन दिलाया है, और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। हमारे पास जो और
तो उन पर सख्त से सख्त